दिस इज एक तो आप लोगों को वैसे एमसीक्यूज का जो है वो उसका आपको वीडियो भी मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है, हाउ टू अटेम्प्ट द आंसर्स, दैट इज ABCD ऑप्शन है, फिर उसके बाद आंसर आपको लिखना है एज इन फॉर्म ऑफ ABCD अल्फाबेट, और लास्ट वाला जो सर्कल है दैट इज फॉर नॉट अटेम्प्टेड, ठीक है. तो ये सब कुछ आप लोगों ने करना है, दैट इज ऑन योर OMR शीट. सेकेंड थिंग विच आई वॉन्ट इज कि आप लोग अपना जो आपको एक आंसर शीट आई थी, स्कैंड शीट आपको मिली है, ठीक है, चेक्ड शीट्स मिली हैं आपको, स्कैंड शीट्स मिली हैं, उनमें से एनालाइज करिए कि आप लोगों की बायो के क्वेश्चंस कितने रॉन्ग हैं, एंड डू टेल मी दे आर मोर देन 4 or 5, राइट. अगर 4 या 4 से ज्यादा हैं, 5 हैं 6 हैं, तो प्लीज मुझे बताइए कि आप लोगों में कौन ऐसे बच्चे हैं जिनको बायो में दिक्कत आ रही है और बायो आप लोग नहीं कर पा रहे हो, ठीक है. सो आई वॉन्ट यू ऑल टू गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद द आंसर शीट, स्कैन शीट विच इज देयर विद यू. उसमें से फाइंड आउट करो कि आपके फिजिक्स के कितने रॉन्ग हैं, केमिस्ट्री के कितने रॉन्ग हैं, बायो के कितने रॉन्ग हैं, ठीक है. देन यू कैन ऑल्सो कन्फर्म योर आंसर्स फ्रॉम मी और द कंसेप्ट्स दैट यू हैव इन योर माइंड एंड जस्ट द कंसेप्ट विच इज देयर इन माई माइंड, ठीक है. तो उनको भी आप लोग क्रॉस चेक कर सकते. एनी क्वेश्चन टू एनी वन रिगार्डिंग एनी ऑफ द क्वेश्चन पेपर में से या कोई और क्वेश्चन, एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क, raise your hand if you have any question. Okay, so today we are going to start with the discussion of small simple MCQs from the chapter, that is life processes. Okay, try to give the answers, raise your hand. I'm just sharing the screen with you and you raise your hands if you know the answer, okay. And if you literally want to discuss the answer again, then we are here, okay. So just wait and do tell me that you are able to see this. Anji, are you able to see the video? Sorry, this sheet, screen. Anji, is it visible to all? Amritpal, Disha, Shimansh, can you please tell me? Okay, right, thank you. So, I'll also send you this PDF, okay? Ye kuch PDF hai. This is from the chapter Life Processes. इसमें इफ यू कैन सी, ये देखो पूरा कंटेंट जो है वो पहले दिया हुआ है, दैट इज इन शॉर्ट, ठीक है, जस्ट टू हैव अ रिवीजन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, ओके. बट वन थिंग इज देयर दैट द आंसर्स ऑफ दिस विच आर गिवन एट द लास्ट दे आर रॉन्ग, ठीक है. जो आंसर्स इसमें एंड में दिए हुए हैं दे आर नॉट द की फॉर दिस क्वेश्चन, बट द क्वेश्चन आंसर सोल्यूशन दे आर गिवन एट दीज साइट्स, ओके. बट आई विल बी सेंडिंग यू एज अ PDF, ठीक है. आप इसको गूगल पे सर्च करके भी निकाल सकते हो, राइट. अदरवाइज आई विल सेंड यू एज अ PDF फॉर दिस एंड डू सॉल्व द आंसर्स. इफ स्टिल यू हैव एनी कंफ्यूजन इन द क्वेश्चंस, यू कैन सेंड मी द मैसेजेस, राइट. आई विल गिव यू द आंसर्स फॉर दिस, ओके. आफ्टर सॉल्विंग आई विल ऑल्सो सेंड द आंसर की फॉर ऑल द 50 क्वेश्चंस विच आर देयर हेयर इन दिस PDF, ओके. 50 क्वेश्चन है पूरे इस चैप्टर के, तो जो आप लोग अभी डिस्कस हम कर पा रहे हैं वो तो करेंगे, लेकिन बाकी सारी जो की है आंसर की जो है वो मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है. Okay, we start with the first and try to give the answer. Raise your hands to give me the answer. This is also in your keypad pe wo jahan aap apne raise hand vagera karte hain wahan pe ABCD option bhi aata hai. If you can send me that, it is also okay. Otherwise, you can raise your hand to give the answer. Okay, the first question is to differentiate a living from the non-living, the movement of dash is needed. What is needed? Yes. Yes, Amritpal. Molecular structure. The movement of the molecular structures is needed. Actually, the molecular movement is needed. Okay, right. Then is the maintenance functions of living organisms. Acha, molecular movements jo humne first mein kiya abhi. Shantanu, I'll give you the chance for second. But listen to first. Molecular movements, they are both visible and invisible movements. Okay. Iske upar pura ek aapko introduction of this chapter life processes mein. पूरा कंसेप्ट बताया हुआ है. व्हाट आर द मॉलिक्यूलर विजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट एंड व्हाट आर द इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट एंड हाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द लाइफ. सो यहाँ पे ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएटिंग अ लिविंग फ्रॉम द नॉन लिविंग दैट इज थ्रू द मूवमेंट्स विच कैन बी बोथ विजिबल एज वेल एज इनविजिबल. तो यहाँ ऑप्शन में ये भी आ सकता था विजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट, इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट, बोथ ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज, ठीक है. सो बोथ ऑफ दीज इज द आंसर. टू डिफरेंशिएट बोथ विजिबल एज वेल एज इनविजिबल आर रिक्वायर्ड. Second question, Shantanu, raise your hand again. The maintenance functions of living organisms must go on even when they are not going. Even when they are not doing what? A option, any particular.
एनीथिंग पर्टिकुलर द मेंटेनेंस फंक्शन. हाँ मेंटेनेंस फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तब भी चलते रहते हैं जब तक वो कुछ नहीं भी कर रहे हैं. ठीक है वेरी नाइस. दैट इज एनीथिंग इन पर्टिकुलर राइट. ओके जस्ट होल्ड ऑन. वेट वेट वेट. So second question's answer is anything particular, right? Okay. Next question. Life process involves what? Yes. Raise your hands. Hanji students, raise your hands. Yes. Shantanu again. Gursimar Jyoti. Hanji Gursimar, bataiye. Third answer. Life processes involves what? Unmute yourself. बोलो गुरसिमर आपकी आवाज नहीं आ रही है. बोलो बच्चे दोबारा. गुरसिमर अनम्यूट योरसेल्फ. बोलो. योर माइक इज नॉट कनेक्टेड आई थिंक. एनीबडी एल्स? Anyone else? Anyone else who knows the answer? Life processes involves what? Continuous process of maintaining function of the living organism, all the activities being performed during life cycle of an organism, generation of energy for the purpose of metabolism differs from individual to individual. Yes, Amrit Pal. Ma'am, B option. What is that? All the activities being performed during the life cycle of an organism. B. अमृत पाल आप बताओ. शायद बिकॉज लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व. ठीक है लाइफ प्रोसेस क्या है? व्हाट दे इन्वॉल्व? दे आर द कंटीन्यूअस प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग फंक्शंस. उसमें भी सारी फंक्शंस आ जाती हैं अलोंग विद एक्टिविटीज. बाकी सारे फंक्शंस भी आ जाते हैं. दैट इज ऑफ द सेल्स, लिविंग सेल्स, डेड सेल्स, हर चीज को कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म करना एक मेन कंसेप्ट है यहाँ पे. लाइफ प्रोसेस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. ठीक है ये आपने याद रखना. इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. सो ये हमारे पास आंसर आएगा थर्ड का ए. इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग फंक्शंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. नो डाउट सेकंड इज आल्सो ओके बट कंटिन्यूटी इज नॉट देयर. ओके सिमिलरली अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चे तो आप लोगों ने देखना है कि हमारा अगर दो आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर व्यू दे रहे हैं जैसे यहाँ पे तो बेस्ट आउट ऑफ द टू कौन सा होगा. ठीक है इफ यू कैन फिगर आउट द बेस्ट आउट ऑफ टू देन आई वुड सजेस्ट कि आप इसको कर पाओ. अगर नहीं करना है मतलब अगर आपको नहीं समझ आ रहा देन लीव इट एज अ चॉइस. ठीक है आपकी चार चॉइसेस सेक्शंस ए और बी में हैं. चार चार चॉइसेस देन उसके बाद दो चॉइसेस हैं सी में. तो यू कैन लीव इट ऑल्सो एज इन अ फॉर्म ऑफ अ चॉइस. ओके सो डोंट गेट कंफ्यूज एंड डोंट मार्क द रॉन्ग आंसर्स प्लीज. ओके नेक्स्ट इज फोर्थ. वेरियस मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू व्हाट? वेरियस मेंटेनेंस प्रोसेस. बच्चे वही सारे बच्चे क्यों हैंड रेज कर रहे हैं? गुरसिमर, शांतनु एंड अमृतपाल. व्हाट आर द अदर्स डूइंग? अदर्स आल्सो ट्राई टू गिव द आंसर. वेरियस मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू. यस जसलीन. मैम बी वन. रीड आउट द आंसर. व्हेन डैमेज एंड ब्रेकडाउन. प्रिवेंट डैमेज वेरियस मेंटेनेंस प्रोसेसेस जो हैं वो क्यों होते हैं? दैट इज वो डैमेज और ब्रेकडाउन्स को प्रिवेंट कर सके. नो डाउट दे आर आल्सो देयर फॉर द सर्वाइवल, फॉर द रूटीन प्रोसेस, फॉर रिलीजिंग ऑफ द एनर्जी, ये सब चीजें हैं. लेकिन साथ में वेरियस मेंटेनेंस प्रोसेसेस ज्यादा हमें किस चीज के लिए चाहिए? मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? जहां कोई खराबी होती है वहां उसको आगे रिपेयर कर देना है ना. तो यहाँ पहला ही काम ये चल रहा है क्योंकि आपकी बुक में भी लिखा है मेंटेनेंस प्रोसेस जो है वो चलते जा रहे हैं. ठीक है इवन व्हेन द पर्सन इज डूइंग नथिंग एनीथिंग पर्टिकुलर नहीं भी कर रहे हैं जो अभी हमने क्वेश्चन किया तब भी ये चलते जा रहे हैं. मींस व्हाट? दैट इज टू प्रिवेंट द ब्रेकिंग्स और द डैमेजेस. ठीक है उन चीजों को रोकना और अगर हो भी जाती हैं तो ये रिपेयर वगैरह में भी हेल्प करेंगे. गुरसिमर जो यू हैव एनी डाउट यू आर रेजिंग योर हैंड? नो मैम मैम वो आंसर देने के लिए किया था. ओके ओके नेक्स्ट यू ट्राई एंड गिव द आंसर. ओके ओके मैम. दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन. If the body size of an organism is to grow, if the body size of the organisms is to grow, additional carbon-based food or raw material is needed.
needs more energy to expand, have to go through complex process, which sometimes is not possible, needs lot of cell formation. Kaun sa answer hai? Ma'am, A option. A option, that is additional carbon-based food and raw material is needed. Right. So this is all these questions, they are taken from the introduction part only. ये अभी तक जितने हमने डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास फ्रॉम इंट्रोडक्शन ओके दैट इज अभी आपका न्यूट्रिशन टॉपिक शुरू नहीं हुआ है ये बुक में अगर आपने रीड किया है इसको तो ठीक है यू कैन सी इट फ्रॉम देयर आल्सो यस जसलीन हैव इन डाउट और द नेक्स्ट आंसर नो मैम वो आंसर के लिए नेक्स्ट आंसर गुरसिमर प्लीज म्यूट योरसेल्फ एंड जसलीन लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट Due to the complexities of carbon sources, different organisms use, due to the complexities of carbon sources, different organisms use different kind of nutritional processes, different kind of growing processes, different kind of metabolism, different kind of the cell structure. What it is? Yes. Carbon source, jo hai, uske different hone ki wajah se, ya complexities hone ki wajah se, you are giving an answer. ओके राइट जसलीन अमृतपाल ओके अमृतपाल टेल मी मैम डी ऑप्शन रीड आउट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल डिफरेंट काइंड ऑफ सेल स्ट्रक्चर व्हाई सेल स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड गुरसिमर जो थान जी बोलो मैम डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रोइंग प्रोसेसेस Growing processes. Jasleen, आप बताओ. Mam, different kinds of nutritional processes. Nutritional processes. Yes, Jasleen and Diya were right. Diya ने भी ये answer भेजा था. That is good. Why nutritional processes? You know, carbon source मतलब जैसे glucose है ना C6H12O6 क्या है? Glucose है. Glucose carbon source है. अगर हमारी carbon source में complexity बढ़ती है, तो उसका nutritional process differ करेगा. ग्रोथ तो होनी है मेटाबॉलिज्म तो होना है सेल तो वो ही रहने हैं सेल का स्ट्रक्चर भी वैसा ही रहना है ना मेन क्या बढ़ेगा ड्यू टू द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ कार्बन सोर्स कम्प्लेक्सिटी मतलब डिफरेंस इन द कार्बन सोर्सेज जो कार्बन सोर्सेज अलग अलग हमें मिल रहे हैं उनसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे अलग अलग न्यूट्रिशनल प्रोसेस अपनाएंगे लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं वो थ्रू डिफ्यूजन ले लेते हैं हाइड्रोग्रीजम्स में जैसे इंजेक्शन वगैरह भी होता है ना तो ये प्रोसेसेस हैं हाउ टू टेक द फूड Right, so this is the different nutritional processes will be different. Okay, nice try. And if you are not getting the answers, please try to look on the depth of the answer and then think. ठीक है उस तरह का mental thinking अपना बनाओ कि हम लोग किस तरह सोच रहे हैं और हमें सोचना कैसा चाहिए ठीक है Okay, next is since the environment is not under the control of the individual organism, the outside source of energy is quite Environment is not under the control of the individual organism. The outside source of energy is quite varied, same, differ from case to case, under the control of organism. Haan ji, batao. Haan ji, Shantanu. I'm varied. Varied. Kyunki yahan pe wo bol rahe hain, environment source is not under the control of individual organism. Hai na? Matlab kya hai ki environment different hai. तो ऑब्वियस है कि उसका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो भी डिफरेंट होगा वेरिड होगा है ना सो सिंस द एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जीज आर आल्सो वेरिंग राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द सोर्सेज ऑफ एनर्जी नीड टू बी ब्रोकन डाउन इन द बॉडी एंड कन्वर्टेड इनटू व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी और व्हाट इज इट यूनिफॉर्म एनर्जी मॉलिक्यूलर एनर्जी केमिकल रिएक्शंस डाइजेस्टिव प्रोसेस All the sources of energy need to be broken down in the body and converted into others. Please try to give the answer. Who is sending this answer? Alphabet answer. Amritpal. Amritpal, it's wrong. Why you are giving wrong answers, Amritpal? Nishtha. Ma'am, B molecular energy. यही तो Amritpal ने दिया है wrong है. हाँ जी गुरसिमर शांतनु इज आल्सो ऑन बी व्हाई यू आर सेइंग मॉलिक्यूलर एनर्जी मैम केमिकल रिएक्शंस नो ऑल द सोर्सेज ऑफ एनर्जी मैंने कराया नहीं है सोर्सेज ऑफ एनर्जी सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी FADH2 NADH2 कराई है ना मैंने क्लास में
अब ए पे आ गए सारे. नाउ दे आर टू बी कन्वर्टेड इनटू यूनिफॉर्म एनर्जी एंड दैट यूनिफॉर्म एनर्जी इज एटीपी, सिंगल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज द करेंसी ऑफ एनर्जी करेंसी ऑफ योर बॉडी. That is only ATP. A single form of energy में इसको convert करेंगे. सारी की सारी sources of energy need to be broken down in the body and converted into the uniform energy. Okay? Not the molecular energy, not the chemical reactions and digestive process. तो खैर है ही नहीं बिल्कुल. ठीक है? Okay. Next question is 9th question. अच्छा यहाँ पे. Those reactions which are most common chemical means to break down the molecules are oxidizing reducing reactions, hibernation, chemical reaction needed for well-being. Rishit, okay. Rishit, tell me those reactions which are the most. Ma'am, A, oxidation reduction reactions. Oxidation reduction reaction. They are the redox reactions. और कोई answer है किसी के पास या same है गुरसिमर? Same answers वाले please. Ma'am, same. Same. Shantanu also oxidizing. Okay, Jasleen also same, I guess. So this is only the oxidizing and reducing reactions means building up and breaking down reactions. हम कह सकते हैं ना? तो oxidizing and reducing reactions, very nice. अगर ये biological sense में दिया जाए, कौन सी ये reactions चाहिए होती हैं? तो that is the anabolic and catabolic reactions. Building up and breaking down को anabolic और catabolic भी बोलते हैं. ANABOLIC and CATABOLIC. Okay. We can say it that way also. That is metabolism. In general, it is called as metabolism. Okay, the next question is the process of breakdown of the food sources for cellular needs is known as respiration, molecular breakup, excretion, molecular process. Nishtha. Shantanu. Why Shantanu B, molecular breakup? Beta, molecules ka concept aa gaya ka matlab ye nahi hai ki molecules hi answer honge har baar. Hanji Rishit. Respiration, yes. Nishtha is also on A. Other students on A. Very good, Diya. Shabash. The others, those who are providing, Jasleen, alphabetical answers de rahe hain. That is also a good response. Amritpal, very good. So, aap please alphabetically bhi de sakte hain because bolne ke liye to ek bachche ko bola jayega. Theek hai? So, it is respiration. Look onto the statement. The process of breakdown of food source. Food source todna hai humne. कहाँ तोड़ते हैं? रेस्पिरेशन में. When it is a breathing first, oxygen goes in, cellular respiration takes place where the food is broken down to give the energy. यही पढ़ा ना अपने definition of respiration. बेटा पेपर जो है ना वो आसान होगा, बड़ा आसान होता है. बोर्ड के पेपर्स की खासियत ये है कि उनके पेपर आसान होते हैं लेकिन प्रोवाइडेड क्वेश्चन समझने वाले होते हैं. आपके आंसर्स बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाले हैं, है ना? क्वेश्चन समझने वाले जरूर होंगे, थॉटफुल क्वेश्चन होते हैं. क्वेश्चन ध्यान से समझो फिर आंसर देने की कोशिश करो, भागो मत. ठीक है, भगाओ मत इसको. हाँ जी, बायो में वैसे भी आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव तो आना ही नहीं है, है ना? बायो में इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, वन लाइन क्वेश्चन आंसर ऐसा होगा. तो अगर कोई एक आधा आ भी गया तो डायग्राम वाला या मैथ कॉलम ऐसे वाली चीजों में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, बट अदरवाइज मैक्सिमम विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, है ना? So need not to just rush on. भागने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11. विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए क्या सही नहीं है? नो स्पेसिफिक ऑर्गन, नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड नीडेड. एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट में भी नीडेड. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर द न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ ए लाइफ एंड एंटायर सर्फेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट. ओके, शांतनु, निष्ठा, आंसर्स आई हैव गॉट. रिशित, हरजोबन, हरजोबन बताइए. गुड मॉर्निंग मैम. हाँ जी, आंसर बोलो. मैम डी पार्ट है. डी, एंटायर सर्फेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट. नॉट करेक्ट बताना है. नॉट करेक्ट ही है. नॉट करेक्ट और करेक्ट जरूर पढ़ लेना भी अच्छे से. नॉट वर्ड बेचारा हमेशा खराब कर देता है काम. हाँ जी, शांतनु, निष्ठा, योर आंसर इज परफेक्टली ओके. आयुष, यू टेल मी. दिया, वेरी नाइस. हिमानी, वेरी गुड. हाँ जी, गुरसिमर ज्योति, हैविंग द कॉपीराइट ऑफ दिस आंसर.
यस आंसर इज करेक्ट गुरसिमरन. बाकी लोग किसको बोला था मैंने अभी बताने को. अमृतपाल राइट, हर्षित सैनी आप बताओ. मैम सी ऑप्शन. सी ऑप्शन. सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर द न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ. न्यूएस्ट फॉर्म्स नहीं है. पहला पार्ट देखो, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स करेक्ट फॉर टेकिंग इन फूड नीडेड. ये सही है. ठीक है. एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट मे बी नीडेड. ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल. देन देयर इज मे का मतलब है कि मतलब मे बी नीडेड मतलब उन्होंने श्योरिटी दिया भी है और नहीं भी दिया वाला. ठीक है, लेकिन दिया तो है ना, तो दैट इज इट इज करेक्ट अंडर करेक्ट स्टेटमेंट. देन डी इज एंटायर सर्फेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कंटेक्ट विद द एनवायरमेंट एंड दैट इज करेक्ट. ठीक है, डू रीड फॉर द स्टेटमेंट आंसर स्टेटमेंट क्वेश्चन ऑफ द सॉरी स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज नॉट करेक्ट. ओके बच्चे, ये तो पेपर में गड़बड़ होती ही होती है जब हम इस ऑप्शंस क्वेश्चंस में नॉट वर्ड नहीं पढ़ते. ठीक है, इट इज नॉट द ट्रू स्टेटमेंट, इट इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. ये इस तरह से पक्का लिखेंगे. रॉन्ग स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ बहुत कम आए. दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट ऐसा है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. रॉन्ग वर्ड तो फटाफट से पता चल जाता है, पर जब उन्होंने लिखा ना नॉट करेक्ट, वहां नॉट नहीं पढ़ेंगे हम, सीधा ही फटाफट से पढ़ेंगे तेजी तेजी से. मैंने अभी बताया भावना नहीं है. ठीक है, अपना आंसर कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे हम. नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन. द रीजन फॉर सिंगल सेल डिफ्यूजन इन एफिशिएंसी इन मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स इज. यस आंसर्स आई हैव स्टार्ट गेटिंग द आंसर्स. वेरी नाइस. ओके हिमानी हैज सेंड. Others, please send me the answer options. It is better. Okay, Amritpal, okay. Jasleen is in 3. Shantanu is on A. Nishtha even on, Rishit on C. Why? Okay, let me discuss. Yes, Gursimar, you tell me 12th answer. Ma'am B. Big size and complex body designs. Hai na? Yes, ma'am. Do they really have the big size and the complex body design? The reason for single cell diffusion inefficiency in multicellular organisms is. Is question ka statement batao, because mere paas sara varying answers aaye hain. Koi A bol raha hai, koi C bol raha hai, koi D bol raha hai. Bataiye mujhe Nishtha, what is the meaning of this question? Ma'am, this question means that. म्यूट हो गए. अनम्यूट योरसेल्फ. ओके रिशित, गुरसिमर, जसलीन, अमृतपाल. जसलीन आप बताओ मुझे इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है. मैम इसमें उन्होंने ये कहा है कि सिंगल सेल में जो डिफ्यूजन होती है वो मल्टी सेलर में इनएफिशिएंट क्यों है. मतलब डिफ्यूजन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में क्यों नहीं होती है ना. तो यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल सही समझा आपने. द रीजन फॉर सिंगल सेल डिफ्यूजन इनएफिशिएंसी मतलब कि जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफ्यूजन होता है ऐसा सिंगल सेल डिफ्यूजन इसमें नहीं हो रहा है. मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में इनएफिशिएंट है, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाता है. क्यों नहीं कर पाता है. अब जिन्होंने ए आंसर दिया उसके लिए सुनो. सेल डिफ्यूजन इज अ कम्प्लेक्स प्रोसेस. इट इज नॉट डिफ्यूजन इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस. हाई टू लो सीधा जाना है ना. ये तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है. देन इट इज बिग साइज एंड कम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन. किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ. कंफ्यूज हो रहे हैं. सिंगल सेल डिफ्यूजन इन एफिशियंसी नहीं बोला उसने, बोला सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ले रहे हो आप माइंड में. शायद ऑर्गेनिज्म नहीं लेना आपने. क्या है कि मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स बिग साइज है, कम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है, इसलिए उनके अंदर इनएफिशियंट डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो इनएफिशियंट हो रहा है. दैट इज गोइंग द करेक्ट आंसर. ओके तो लेट अस बी, लेट अस व्यू द सी ऑप्शन आल्सो. दैट इज सेल डिफ्यूजन रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ टाइम. यस इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ टाइम, बट अगर हम सिंगल सेल डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो ज्यादा टाइम नहीं ना लग रहा, फिर तो जल्दी हो जानी है. दैट इज बिकॉज ओनली सिर्फ हाई टू लो कंसेंट्रेशन मीडियम में आगे चलना है. मतलब मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट होने हैं बस खत्म. देन आफ्टर दैट सेल डिफ्यूजन इज रादर अ सिंपल प्रोसेस टू बी कैरिड आउट इन मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म. दैट इज अगेन रॉन्ग, क्योंकि मल्टीपल सेल ऑर्गेनिज्म में सेल डिफ्यूजन नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है. सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि उनका साइज बड़ा है, उनका बॉडी डिजाइन कम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएगा.
तो जिन जिन लोगों ने ये आंसर दिए हैं ए सी और डी, उनका सबका सोचना गलत है। अब कहाँ से आपने क्या गलत सोचा ये आपको पता है, ठीक है। प्लीज प्लीज डोंट बी इन हरी, बिकॉज आई एम टाइम एंड अगेन आई एम सेइंग योर बायो क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी डायरेक्ट वंस, दे विल नॉट बी, होपफुली दे विल नॉट बी लाइक बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाले, सिर्फ आपको धीरे से पढ़ के समझ के फिर करना है अटेम्प्ट उसको, ठीक है। डू नॉट रश जस्ट बिकॉज कि आपके ये क्वेश्चन छोटे हैं इसलिए आप फटाफट से करके फटाफट आगे बढ़ना चाहते हो, नो, ठीक है। रीड इट विद प्रॉपर मतलब एफिशिएंसी के साथ उसको रीड करो, अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी वर्ड इन इट। बायो विल बी मोस्ट स्कोरिंग एंड लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। मैं आपको बता दूं बायो का अगर आपने चैप्टर एनसीईआरटी से रीड किया है इट इज गोइंग टू बी मोस्ट स्कोरिंग एंड लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग, बोथ वेज इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर फाइनल एग्जाम, ओके। बट वन थिंग विच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स दैट इज यू शुड बी वेरी क्लियर टू द वर्ड, मतलब आपको मीनिंग जो है वो बहुत अच्छे से पता चलने चाहिए, बोथ फॉर क्वेश्चन एज वेल एज फॉर द फोर ऑप्शन, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते हम तो हमारे गलत हो जाएंगे क्वेश्चन, और इतने आसान वालों को अगर हम गलत करेंगे तो हम अपने आप को ही जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, है ना, दैट विल बी समथिंग वेरी रॉन्ग विद यू देन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, ये नेक्स्ट पेज कनेक्टेड पे है, पेज 114। इन द मल्टीसेल ऑर्गेनिजम्स वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शंस दे परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस दे आर हेल्प्ड विद। इन मल्टीसेल ऑर्गेनिजम्स वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शंस दे परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ, स्पेशलाइज्ड सेल्स, मल्टीपल ऑर्गन्स, मल्टीपल स्ट्रक्चर, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, यस। Start raising your hand and give the answers A, B, C, D. In multicellular organisms, various body parts have specialized in the functions they perform with the help of. What is actually helping them? Okay, the answers are coming. Diya Arora, Harshit Saini. Diya, your answer is wrong. Who else? Again, varying answers. Rishit is saying C. Diya is saying specialized cell. Who is raising the hand? Let me finish. This is the last. Okay, Shantanu is saying the right answer. Yes, Shantanu? Ma'am, fourth option, specialized tissues. Yes, it is a specialized tissues. Hame poocha kiska hai? Various body parts means organ. Organ kisse ban raha hai? Cell se thodi, tissue se. देखो दो ऑप्शन तुम्हारे पास दोनों मिलती जुलती हैं, स्पेशलाइज सेल भी है, स्पेशलाइज टिश्यू भी है, बात दोनों में सेम है, लेकिन अगर हमें ऑर्गन की बात पूछी है तो ऑर्गन क्या है, दैट इज एन एग्रीगेशन ऑफ द टिश्यूज, तो ऑर्गन की फंक्शनैलिटी स्पेशलाइज क्यों है, बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइज टिश्यूज, ठीक है। सो दिस वे यू हैव टू कनेक्ट देम राइट, एंड आई होप यू विल बी डूइंग वेरी गुड, ओके। सो लेट अस स्टॉप इट हियर ओनली, एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव स्टिल इन योर माइंड, but I'll be sharing these 50 questions PDF complete with you, okay, maybe today or by tomorrow, and you please go through the questions, and if still you have any confusions, you can please discuss it with me, okay. Jasleen and Diya, you have any doubt or you are raising it for your answers? Jasleen and Diya. Okay, Diya, you also please put down your hands then, if it is not done. Anju, Diya, you have any doubt? मैम मुझे लगा कि आपने 14 फ्रंट से पूछा है। क्या कह रहे हो? मैम मुझे लगा कि आपने मुझे 14 फ्रंट से पूछा है। क्वेश्चन कौन सा पूछा था? वो 13th क्वेश्चन था। अभी मुझे ऐसे स्क्रीन मैंने ऑफ कर दिया। आई विल टेल यू टुमारो, ओके? आई विल सेंड द पीडीएफ आल्सो, यू कैन गो थ्रू दैट, ओके? ओके। Thank you so much, Prachay. All the very best for your preparations and your boards. Thank you so much. God bless you all. Goodbye. Have a great day. Bye-bye.